हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं सेब की खीर। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेब की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 से 4 सेब लिए हैं, 1 लीटर दूध लिया है मैंने, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और 7-8 चम्मच ग्राइंड शुगर। अब सेब को हम लोग पील ऑफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ अब दूध को गाढ़ा होने तक उबाल लेंगे 15 से 20 मिनट तक। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ रहा है। अब जो सेब मैंने पील ऑफ किया था उसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो मेरा सेब ग्रेट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे ज़्यादा देर तक ना छोड़ें वरना ये काला पड़ जाएगा। अब 3 से 4 कप पानी यहाँ हम गरम कर लेंगे ग्रेट किए हुए सेब को उबालने के लिए। सेब को 5 मिनट तक उबाल लेंगे, फिर इसे ठंडे पानी से अच्छे से धुल लेंगे। धुलने के बाद इसमें बेकिंग सोडा डालकर इसे 5 मिनट तक रख दें सेट होने के लिए। दूध गाढ़ा होने के बाद मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है और फिर 6 से 7 चम्मच चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें और इसे अच्छे से चला लें। अब जो सेब मैंने सेट होने के लिए रखा था वो भी इसमें डाल दें। इसे डालने के बाद इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लें और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहें। तो गाइस, हमारी सेब की खीर बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।